नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। अपने पिता की उंगली को छोड़कर खुद चलने लायक हुए इस 9 साल के बच्चे को अंदाज़ा भी नहीं था कि पिता की वो उंगली जिसे पकड़कर उसे दुनिया के अभी बहुत सारे पहलू देखने और समझने थे, सदा के लिए छूट गए। कोरोना काल का सबसे बुरा पहलू है एकांत की घुटन भरी मौत। एक आखिरी स्पर्श, एक आखिरी शब्द, एक आखिरी विदाई, कुछ भी नहीं करने देता कोरोना। मौत के इस नए नाम ने कैसे अधूरे कर दिए हैं अंतिम संस्कार, देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट। तस्वीर में गुवाहाटी के एक कोरोना संक्रमित पिता का अंतिम संस्कार करता उनका 9 वर्ष का बेटा। मौत कई बहानों से आती है, लेकिन जाते हुए लोगों को अपनों के हाथ थामे रहते हैं। परिवार परिजनों का पूरा मनोविज्ञान ही यही है कि वो कष्ट में आसपास हों, दर्द बांटें, देखभाल करें। कोरोना ने लोगों के इस हजारों साल पुराने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। एक ऐसी विवशता है जिसमें सामने बंद होती आंखें भी आखिरी बार अपनों का अक्स तक नहीं नसीब हो पाता। युद्ध या बड़ी घटनाओं को छोड़ दें तो शवों को इकट्ठा करके ले जाने का चलन नहीं ही रहा है, लेकिन मरे हुए लोग दरअसल अब अछूत गठरियां हैं। इनके नाम खत्म हो चुके हैं, चेहरे सपाट हैं, ये अकेले और एक से हैं। सबकी पहचान की एक ही साझा संज्ञा है कोरोना। डर लोगों में है, परिजनों में है, इसके बीच नहीं, ये सारे मृत हैं। ये सारे कोरोना के काल की लंबी परछाइयां हैं। दुनिया की सबसे प्यारी चीज एक हंसते हुए छोटे से बच्चे का चेहरा है। अगर इस चेहरे को मौत जिंदगी के 20 दिन बाद ही अपने आगोश में ले और माँ इतनी असहाय हो कि वो एक आखिरी बार अपनी भीगी छाती से बच्चे को लगाकर रो भी न सके, बाप और घर के लोगों को इसे एक आखिरी बार देखकर पुचकार पाने का हक तक न मिल सके। कोरोना ने मौत को बेजान पुतलों से भी ज्यादा डरावना बना दिया है। दिल्ली के इस कब्रिस्तान ने कई जनाजे देखे हैं, लेकिन मौत का ऐसा दौर शायद ही पहले इन दरख्तों और मिट्टी की याददाश्त से गुजरा हो, जहां एक के बाद एक लोग दफन तो होते रहे हैं, लेकिन अलविदा कहने वाले लोग आखिरी नमाज पढ़ते हाथ और आखिरी बार देखने वाली नजरें जनाजों से नदारद हो चुकी हैं। कोरोना की इस सच्चाई में एक मौत अस्पताल में भी अकेली है और दफीने में भी। इस वायरस ने सचमुच मौत को और खौफनाक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मृत की संज्ञा एक सी हो गई हो, जो परिजन हैं उनके भी वजूद एक से हो चुके हैं। एक जैसी मजबूरी, एक जैसी पोशाक, एक जैसी पीड़ा, एक जैसा भय, चार कंधों का नियम कब का बिखेर दिया है कोरोना की मौतों ने। इंसान यहाँ नंबरों से पहचाना जा रहा है। परिजनों के पास इस नंबर वाली अछूत गठरियों के लिए कुछ थोड़ी बहुत रस्म अदायगी की गुंजाइश कभी कभी मिलती है। आखिरी बार ऐसे जाना, ऐसे जाने देना, अंदाजा लगाइए कितनी असहनीय है ये पीड़ाएं। ऐसे लोग कम ही हैं जिन्हें परिजनों के हाथों मुखाग्नि नसीब हो सकी है। कितने ही शव ऐसे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया। शमशान घरों का आलम ये है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतकों की अस्थियों के ढेर लग गए हैं, कलश पर कलश रखे हैं और उन्हें विसर्जित करने वाला कोई नहीं है। समाज जिन नियमों को सदियों से मानता है, करता आया है, वो विज्ञान से नहीं कोरोना के अभिशाप से टूट रहे हैं। कोरोना की मौतें उन सारे नियमों को भी मृतक के साथ शमशान ले गई हो जैसे। मरने का मोक्ष और मुक्ति के लिए नियम मानने वाले हाथ फिलहाल खुद डरकर दरवाजों के पीछे सिमट गए हैं।
इंसान दरअसल सामाजिक रचनाओं में खेलने वाला जीव है। अकेलापन उसे सिर्फ व्याकुल करता है। इस व्याकुलता को वो कभी कभी शांत और स्थिरता के लिए विकल्प जैसा देखता है, लेकिन शांति और स्थिरता ना तो जीवन के स्थायी भाव है और ना ही अकेलापन। लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, परिजन उनके मजारों पर, चित्रों पर स्मृतियां टांगते हैं, लेकिन कोरोना की प्रेत लीला तक शायद ये भी भयावह है। कोरोना से मौत की संख्याओं में सिमट चुके लोग अब कहीं मिट्टी, कहीं धुआं होकर मुक्ति के नए व्योम में समा रहे हैं। इस आखिरी यात्रा में उनके साथ पारंपरिक भीड़ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ होने का कारण एक है। ये कारण धुआं बनकर एक साथ आसमान की ओर बढ़ रहा है, अपनों से दूर, एक अनंत सच में जो मृत्यु ही है। विलाप के ये क्षण सदियों से अंतिम सांसों के साक्षी भाव रहे हैं। रोना प्राकृतिक है, सदा से है, जरूरी भी है, लेकिन रोते हुए चेहरे अब और अधिक असहाय हैं। ये कैसी त्रासद स्थिति है कि संक्रमण में घर के लोग न माथे पर पट्टी बदल सकते, न नब्ज पर हाथ रख सकते, न दवा, न पानी का सहारा, एक स्पर्श, स्पंदन या गर्माहट तक नहीं। और भय में जीवन मांगती आंखें जब मौत में समा जाए तो न मृतक को स्नान, न कंधा, न अर्थी, न मिट्टी, न विदा। कोरोना से ज्यादा कितनी ही बीमारियां रोज लोगों को निकल रही हैं, लेकिन मौत का इतना असहाय स्वरूप सच में इस सदी का अब तक का सबसे डरावना सच है। खौफ में जी रहे लोग क्या मरने की आसानी भी मांगना छोड़ दें। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।